एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चाइनीज़ फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ का मेकअप लुक। और मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ। और अगर आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और मैं ज़्यादा पक पक नहीं करती हूँ, मैंने आप ये मेकअप कैसे क्रिएट किया है, कैसे लुक क्रिएट किया है आपको मैं दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे साथ आइए एंड देखिए। अपने स्किन को स्किन टोनर ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, भरभर की, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो आपकी स्किन बहुत ड्राई रहने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग ये टोनर ज़रूर यूज़ करें। मैं तो रोज़ पाउडर यूज़ करती हूँ, तो रोज़ टोनर मेरे फेस पे बहुत सूट करता है। इसको 2 मिनट तक सेट होने दें एंड देन यू हैव टू सी रिजल्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ मॉइस्चराइजर। आफ्टर रोज़ टोनर आई विल यूज़ मॉइस्चराइजर। फॉर मॉइस्चराइजर दिस इज़ द आयोर क्रीम एंड देन आई एम यूजिंग सेकेंड डे। इट्स अ वेरी अमेजिंग रिजल्ट फॉर मॉइस्चराइजर एंड देन आई विल यूज इट ऑल्सो इन माई लिप्स एंड माई नेक एंड देन मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर before makeup, because if you moisturizer before makeup, because it's a very important. If you don't use moisturizer, then your face you makeup become like a harsh line, flaky, and looking very awkward. So you have to use moisturizer. It's very important. Then, so yes, I use and massage 1-2 minutes and then leave it and set them. As you can see, oh my god, it's amazing looking. Like, okay, so after that, I'll use it my Olivia. If you don't have what? Yes, if you don't have foundation, then you can use all of this fake BB cream, CC cream. अगर आपके पास क्या नहीं foundation नहीं है, आप ये use कर सकते हैं, BB cream use कर सकते हैं, CC cream use कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपके पास ये नहीं है तो आप use नहीं कर सकते। So you can use very well. जैसे कि मैंने use किया। Yes. And then आपके blender के हाथ से, अगर आपके पास brush है तो brush के हाथ से, या फिर blender के हाथ से। और सब बताऊँ, when I use it, I feel amazing feeling. So मैं अपना पूरा base complete करूँगी। बहुत अच्छे से यू हैव टू ब्लेंड वेरी वेल वेरी वेल। इफ यू डोंट सो योर मेकअप लुकिंग लाइक अ हार्श लाइन, क्रीकी एंड वेरी वेल। सो यू हैव टू यूज़ यू हैव टू ब्लेंड वेरी वेल, मिक्स योर स्किन प्रॉपरली। इट इज कंसीलर, जैसे कि ऑलिविया एकदम आप देख सकते हैं एकदम ब्लेंड हो चुकी है। आफ्टर दैट आई यूज़ इट कंसीलर। कंसीलर यूज़ फॉर हाइड योर डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट, ईटीसी। सो इससे आपके जितने भी दाग धब्बे हैं हाइड कर सकते हैं और इसलिए यूज़ होती है। तो मेरे जितने भी हल्के फुल्के स्पॉट हैं, पिंपल्स हैं, तो सुनिए आई विल यूज़ इट एंड हाइड इट। और आई के मेकअप स्टार्ट करने से पहले यू टू यूज कंसीलर ऑल्सो, कंसीलर, फाउंडेशन, व्हाटएवर। सो करना चाहता हूँ मेकअप कर रही हूँ तो भर भर के मेकअप, क्योंकि मैं इस फेस्टिवल को पर्सनली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ब्लेंडर के हाथ से, ब्लेंडर के हाथ से, एक ब्लेंड के हाथ से, ब्लेंडर के हाथ से, ब्यूटी ब्लेंडर एंड अप्लाइड। मैं ब्रश क्यों नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है सीरियसली, एंड दैन दैट्स व्हाई आई डोंट यूज़ ब्रश, बिकॉज आई लव इट सीरियसली। पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं इसको बहुत लाइक, दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड लाइक अ वेरी सॉफ्ट, सो आई यूज़ इट डेफिनेटली एंड देन मोर देन ब्रश। ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, देन आई विल यूज़ इट, क्योंकि ब्रश की थोड़ी सी जो हेयर होते हैं थोड़े होते हैं, कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी फ्लॉपी एंड दिस इज वेरी सॉफ्ट, दैट्स व्हाई यूज़ इट। अब हम स्टार्ट करेंगे आईज मेकअप। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं लूँगी आईज को सेट करने के लिए, ताकि हमारा जो भी मैं पहले यूज़ कर लेना है वो थोड़ा उभर के आए, दैट्स व्हाई आई यूज़ इट। आई लॉट फर्स्ट ट्रांजेक्शन कलर सेट करने के लिए, जब डिजायर डार्क कलर मुझे नहीं मिल जाता है देन आई विल रब इट, ब्लेंड इट टिल देन, जब तक मेरा मुझे डिजायर कलर नहीं मिल जाता टिल देन आई टेक इट एंड ब्लेंड इट, टेक इट एंड ब्लेंड इट। मैं अब मैं इसमें से चूज़ करूँगी गोल्डन कलर, जिसे आप देख सकते हैं डार्क गोल्डन, क्योंकि मेरे में गोल्डन है और ग्रीन, तो मैं ग्रीन एंड गोल्डन कलर से करूँगी। इसके बाद
मैं यूज़ करूँगी ग्रीन कलर, आई विल यूज़ ग्रीन फॉर आउट कॉर्नर, इनर कॉर्नर के लिए मैंने ये वाला यूज़ किया था पैलेट, मैं इसको यूज़ करूँगी. मैंने इनर कॉर्नर को आप देख सकते हैं मैं सेट कर लिया है. अब मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी ताकि ये वाला भी कलर उभर गया, जिसके आप देख सकते हैं, जिसके आप देख सकते हैं. मैं यहाँ पे थोड़ा कंसीलर यूज़ करूँगी ताकि हमारी शेप है ना बहुत अच्छे से उभर के आए. जिसके आप देख सकते हैं माई आईज मेकअप. अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे आई लेसेस, जिसकी मैंने लेसेस यूज़ कर ली है. Liner, sorry, mascara. और इसकी स्पूली की हाफ सेम है, ट्रैक कंट्रोल कर लूंगी. अभी इसे कंट्रोल, कंट्रोल से कहना कि इमोज जॉज बहुत ही बहुत नहीं लेकिन हाँ स्लिम दिखने लगते हैं, ट्रिम दिखने लगते हैं, तो मैं यूज़ करूँगी. यूज़ करूँगी काजल, सेम पैलेट से मैं स्मज करूँगी नीचे की साइड. मैं स्मज कर लिया, मेरे आईज में आंसू आ गया, मसाला मेकअप कर लिया था. अब बारी आती है लिप की, तो मैं यूज़ करूँगी कलर. मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर, जो कि मेरी एक्जैक्ट ब्लश ब्लश के लिए यूज़ करूँगी. मैं लैक्मे की लिपस्टिक, एंड आई विल प्लांट इट बस की हाफ से. यूज़ करूँगी हाइलाइटर फिंगर की हाफ से उस पर. मैंने हाइलाइटर मोस्ट ऑफ चले रही है क्योंकि मैं मेकअप करते करते कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ डेफिनेट, तो मैं यूज़ करूँगी इनर कॉर्नर पे. क्रवा चौथ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मंगलसूत्र. कितना सुंदर है और हेयर स्टाइल बनाएंगे. दिस इज द मॉर्निंग फाइनली लुक. जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनली लुक क्रिएट हो चुका है करवा चौथ का. तो अगर आपको ये मेकअप पसंद आया है, अगर ये मेकअप पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव में ये शेयर करें. तब तक मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय शीशू.